Sir, your math faculty, today we discussed the logarithmic differentiations. Okay, in previous lecture we saw the exponential functions, right? And today only we solve the some illustrations, okay, because of the some health problems. Okay, so let's start. What is the meaning, differentiation of the logarithmic functions? Okay, so now here logarithmic function. Logarithmic differentiation first of that logarithmic differentiation is used to differentiate certain types of functions. So there are two types normally. So there are two types. There are the two types of functions. In which we use logarithmic differentiation. Chalo, one. First of that, if the function having the variable has a exponents, दो केस के अंदर आप log use कर सकते हो. याद रखना कास्ट के बच्चों. If the function is क्या है बच्चों, हैविंग वेरिएबल एज एक्सपोनेंट्स, ओके, हैविंग वेरिएबल एज एक्सपोनेंट्स. चलो दूसरे केस के अंदर क्या करेंगे आप लोग, व्हाट टू इफ द फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट या कोशंस टू और मोर फंक्शंस, एक से ज्यादा टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में हो, तब आप लॉग से करना बहुत बच्चों आसान हो जाता है. थोड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे बट हेल्प तो करेंगे. ओके, इफ द फंक्शन इज प्रोडक्ट और कोशंस, और क्वेश्चंस ऑफ टू और मोर फंक्शन, इन दो केस के अंदर आप लोग बच्चों यूज कर सकते हैं, राइट? तो याद रख लेना इन दो फंक्शंस के अंदर. चलो अब शुरू करते हैं थोड़े इलस्ट्रेशन टाइप्स क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन बच्चों, डिफरेंशिएट. ओके, डिफरेंशिएट थोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस वन सेकंड एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन
राइट। तो चलो क्या करेंगे, लेट वाई कर देंगे पहले। तो वाई इज इक्वल जो ये पावर है बच्चों, क्या है पावर, ओके। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस थ्री ओके अपॉन एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन एंड होल रेस्ट टू रूट, मतलब क्या है वन बाई टू पावर। अब देखो वेरिएबल हैज एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आई, इक्वेशंस में आया और प्रोडक्ट भी आया, तो अब टेकिंग लॉग बोथ द साइड। Both sides, right? So, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y is equal to half, पावर आगे आ जाता है, log का रूल्स पता है, so log of जो बाकी अभी आपके सामने है, ओके। तो रूल्स क्या है, तो log में प्रोडक्ट है वो एडिशन हो जाता है और जो बाकी है वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, सो देयरफॉर मैं हाफ इसको log अंदर ही ले लेता हूँ, हाफ इंटू बच्चों क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, प्लस ऊपर प्रोडक्ट में है सो लॉग बच्चों एक्स माइनस थ्री, राइट। अब जो अपन में वो माइनस हो जाता है, लेकिन बाकी के जो टर्म्स है वो प्रोडक्ट में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, सो माइनस लॉग, माइनस लॉग एक्स प्लस फाइव माइनस लॉग एक्स प्लस सेवन, अंडरस्टैंड। जो डिवीजन में था वो सब्ट्रैक्ट हो गया, बस इतना याद रखना है। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब आप एक्स के कौन फॉर्म में क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा लॉग वाई का, तो क्या होता है वन अपॉन वाई, और वाई का खुद का डी वाई बाई डी एक्स, राइट। हाफ एज इट इज इंटू प्रोडक्ट, लॉग एक्स का क्या होता है बच्चों वन अपॉन एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। चलो अब आगे, प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री का वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फाइव माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सेवन लॉग एक्स का इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सेवन, ब्रैकेट क्लोज, ओके। चलो वन अपॉन वाई यहाँ पे जो दिख रहा है अभी, राइट। अब मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सबसे पहले वन बाई टू डिवाइड बाई डी एक्स वन बाई टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स बच्चों अपॉन प्लस वन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सेवन, बाकी सबका वन, राइट। वाई साइड पे आ जाएगा तो वाई बाई टू हो गया बच्चों, सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई टू, राइट। सो टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव ओके एंड माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सेवन, राइट ओके। वैसे यहाँ तक भी लिख सकते हो, लेकिन जब वाई की वैल्यू पता है तो रख दो। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या थी ओके, तो पहले वन बाई टू साइड में ले लो, फिर उसके अंदर रूट था, तो रूट में आपने क्या लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वन और इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव था वाई की वैल्यू एंड एक्स प्लस सेवन, ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब ए पूरा एज इट इज लिख दो, टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, राइट ओके, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव एंड माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सेवन, ये आपका आंसर हो गया, ओके। चलो नंबर टू, अगेन डिफरेंशिएट, ओके, साइन एक्स साइन टू एक्स ओके एंड साइन थ्री एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा बोला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स है बच्चों। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे वाई
इज इक्वल टू साइन एक्स साइन टू एक्स एंड साइन थ्री एक्स राइट। तो देखो बच्चों यहाँ से एक से ज्यादा टर्म्स प्रोडक्ट में, तो हम लोग वाई लेते हैं राइट। सो टेकिंग ओके टेकिंग लॉग बोथ साइड राइट। सो देयरफॉर लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग जो प्रोडक्ट में है तो एडिशन हो जाएगा क्या था लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन टू एक्स राइट एन प्लस लॉग ऑफ साइन थ्री एक्स राइट। रूल्स लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन वाली फॉर्मूला आपने अप्लाई की यहाँ पर राइट। अब डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन का पहले तो लॉग का लॉग एक्स का तो क्या होता है वन अपॉन एक्स तो वन अपॉन साइन एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वन अपॉन साइन टू एक्स राइट एंड डी वाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स फिर से प्लस वन अपॉन है तो वन अपॉन लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स सो साइन थ्री एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन थ्री एक्स। अब देखो वन अपॉन वाई बराबर है डी वाई बाई डी एक्स साइन साइन का क्या होता है बच्चों साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस यहाँ पे तो साइन टू एक्स तो है ही इसका क्या होगा साइन का कॉस और टू का टू ओके तो ऐसे लिख सकते हो ना कॉस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस ओके साइन थ्री एक्स तो है ही साइन थ्री एक्स का होगा कॉस थ्री एक्स इंटू डी बाई डी एक्स और थ्री एक्स सो डी वाई बाय डी एक्स डी बाई डी एक्स राइट। सो वाई साइड पे ले लिया अब कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट एक्स हो जाता है प्लस ए बी क्या हो जाएगा कॉट टू एक्स होगा इंटू टू प्लस इसका थ्री तो पहले थ्री इंटू कॉट थ्री एक्स अब वाई की वैल्यू पुट कर दो सो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या था वाई वाई था साइन एक्स उसके बाद था साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स इंटू ब्रैकेट कॉट एक्स इंटू टू कॉट टू एक्स प्लस इंटू थ्री इंटू कॉट थ्री एक्स अंडरस्टैंड ओके नाउ राइट। तो ये आपको नॉर्मली इक्वेशन सारे मिल गए राइट तो ये आंसर हो गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स करके राइट। चलो ठीक वैसे क्वेश्चन नंबर थ्री डिफरेंशिएशंस ऑफ द फंक्शंस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर ओके यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन क्यूब इंटू एक्स सॉरी एक्स प्लस वन क्यूब राइट एंड एक्स प्लस टू होल रेस टू फोर कितने टर्म्स है थ्री और वो पावर भी एक्सपोनेंट्स फॉर्म में है क्या है पावर भी एक्सपोनेंट्स फॉर्म में है राइट। सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन क्यूब इंटू एक्स प्लस टू रेस टू फोर राइट। तो यहाँ पे बहुत इजीली करना है राइट तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आएगा बच्चों पावर ऑफ पावर है ना तो कोई नहीं लॉग ले लो ओके टेकिंग लॉग बोथ द साइड लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग प्रोडक्ट रूल्स है ओके सो प्रोडक्ट रूल्स है तो एक्स स्क्वायर बच्चों प्लस लॉग एक्स प्लस वन क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस टू रेस टू फोर राइट ओके तो आपने क्या कर दिया बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट रूल्स में अप्लाई कर दिया तो जस्ट सी दैट अब क्या करोगे आप ओके वो चेक करो चलो क्या करेंगे अब तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल से बच्चो, लॉग का वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन अपॉन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। चलो सबसे पहले पावर, यहाँ पे क्या याद रखना है, पहले पावर इंटू टू लॉग एक्स, एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले तो पावर है, लॉग एक्स के ऊपर पावर है ना, तो पहले तो क्या हो जाएगा टू लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो हमें पहले तो पावर आगे ला देना पड़ेगा। ओके सॉरी, एक फंक्शन को हम लोग ड्रॉप कर, डिफ्रेंशिएट बाद में करेंगे, पहले उसको सिंपली फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो देयरफॉर लॉग वाई इज इक्वल, पहले बच्चों प्रॉपर्टी यूज करो लॉग एक्स, पावर आगे आ जाता है लॉग के अंदर, थ्री इंटू लॉग एक्स प्लस वन है प्लस फोर इंटू लॉग एक्स प्लस टू है, राइट। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नाउ, ओके ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए जो हो गई है, वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है प्लस थ्री लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस फोर लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, राइट। ओके सो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई इनसाइड टू अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस टू, वाई की जगह पर वैल्यू रख दो जो आपको पता है वो डी है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई इज इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर था, एक्स प्लस वन होल क्यूब था, एक्स प्लस टू होल रेस टू फोर था, इंटू ब्रैकेट टू अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस टू, राइट। चलो तो ये आंसर हो गया फिर से आपके क्वेश्चन का, आंसर समझ में आया बच्चों, ओके नाउ ठीक वैसे। चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू में बहुत बार ऐसे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ओके व्हेन मोस्ट आईएमपी एक्स रेस टू वाई रेस टू एक्स माइनस वाई, ओके एमसीक्यू फॉर्म में भी ले सकते हो ऐसा क्वेश्चन है। ओके तो आपके पास तो है एक्स रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई, ओके तो क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉगरिथमिक, राइट। चलो तो देखते पहले वाई आगे आ जाएगा इंटू लॉग एक्स हो जाएगा हमारा, राइट एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई बेस ई हो जाएगा, तो ई बेस ई बच्चों तो वन है, क्या है वन, तो अब आपका फंक्शन हो गया है वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ई बेस ई तो वन होता है, तो इतनी जल्दी मत करना उसको वाई में ला दो, जितनी जल्दी करोगे उतनी मिस्टेक्स करोगे कि लॉग एक्स, राइट यहाँ पे ये वाई को इस साइड पे ला दो तो प्लस वाई हो गया इज इक्वल टू एक्स, वाई कॉमन निकाल दो लॉग एक्स प्लस है या वन प्लस लिख सकते हो, तो लॉग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, सो वाई जो हो गया बच्चों एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स है लॉग एक्स प्लस वन वन प्लस लॉग एक्स, चलो फंक्शन मिल गया। ओके अब क्या करेंगे, अब कोई यहाँ पे लॉग की जरूरत नहीं है, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा सीधे डिवीजन रूल से, राइट। सो इसीलिए इम्पोर्टेंस था डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वन डी ए वाला एज इट इज रहता है, ओके माइनस यहां पे एक्स एज इट इज, ओके अपॉन सेकंड टर्म का स्क्वायर रूट मतलब डिनोमिनेटर, चलो इज इक्वल टू एक्स का वन तो वन प्लस लॉग एक्स बच्चों इसका माइनस एक्स तो एज इट इज यहाँ पे डी बाई डी
वन का जीरो बताया और लॉग एक्स का क्या हो गया वन अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर ओके सो इज इक्वल टू वन प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स एक्स कट हो गया तो वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स स्क्वायर कट हो गया बच्चों लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स एंड होल स्क्वायर सो दिस इज अवर आंसर क्लियर वो तो बस यही काम करना था नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सो क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड डीवाई बाई डी एक्स व्हेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन सो कॉस एक्स रेज टू वाई इज इक्वल टू साइन वाई होल रेज टू एक्स देखो यहाँ पर भी एक्सपोनेंट्स जो वेरिएबल है ना वो एक्सपोनेंट्स फॉर्म में है तो आपके पास दो कंडीशन थी कि कब लॉग लेना है तो यहाँ पे आपके पास क्लियर है बच्चों राइट तो क्या लिखोगे कॉस एक्स होल रेज टू वाई इज इक्वल टू साइन वाई होल रेज टू एक्स राइट अब यहाँ पे देखो मैं लॉग लूंगा ओके टेकिंग लॉग बोथ द साइड y आगे हो जाएगा इंटू लॉग कॉस एक्स सॉरी लॉग एक्स की जगह पे लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स आगे इंटू लॉग ऑफ साइन वाई ओके बस अब क्या करेंगे सो के डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओके थोड़े शॉर्टकट्स यहाँ पे याद रख लेना जो बार बार स्टेप्स के फॉर्म में आते हैं चलो यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन रूल्स बच्चों तो पहले तो लॉग ऑफ कॉस एक्स एज इट इज डी बाय डी एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ वाई प्लस मल्टीप्लीकेशन रूल वाई एज इट इज इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन वाई एज इट इज d by dx of x plus x is it is d by dx of log sin y right तो यहाँ पे बच्चों log y का तो d by dx ही होगा तो आप लिखोगे log of cos x dy by dx plus y तो पहले log x का वन ओपन तो y into cos x होता है और d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी हो जब खुद आता है तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ x का वन है तो इधर आ जाएगा log ऑफ साइन वाई ओके प्लस x एज इट इज यहाँ पे log y साइन वाई हो गया बच्चों एंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई का करना पड़ेगा आपने अभी इसका किया log का किया सो log cos x dy by dx प्लस कॉस का क्या होता है माइनस साइन तो वाई इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन वाई एज इट इज प्लस एक्स साइन का क्या होगा कॉस तो यहाँ पे कॉस वाई इंटू साइन वाई ओके मैंने आपको बोला था कि क्या ध्यान रखना है तो लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है तो याद रखना है माइनस टेन होता है और लॉग साइन एक्स होता है तो उसका कॉट एक्स होता है इतना याद रख लेना डायरेक्टली तो एमसीक्यू में आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा सो लॉग कॉस एक्स इंटू डीवाई बाय डी एक्स माइनस वाई इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन वाई ओके प्लस ओके और यहाँ पे इंटू वाई का क्या करना पड़ेगा डीवाई बाय डी एक्स सो प्लस एक्स इंटू कॉट वाई डीवाई बाई डी एक्स तो हम लोग डीवाई बाई डी एक्स वाले साथ में ला दें बाकी सब उस साइड पे रख दें सो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉट वाई राइट ए टर्म्स इस साइड पे आ गए ए टर्म्स इस साइड पे सो लॉग साइन वाई
प्लस वाई इंटू टेन एक्स. ओके सो देयर फॉर डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई. ओके दिस इज अवर आंसर. ओके क्लियर बच्चों, तो ऐसे इसका सॉल्यूशन आता है. तो अब आपको अल्टीमेटली एक्सरसाइज 5.5 के 1 to 5 क्वेश्चंस परफेक्टली आ जाएंगे. ओके सो लेट प्लीज ट्राई. ओके तो जैसे मतलब 5-6 क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे तो सॉल्व कर सकते हो आप. तो यहाँ पे अगर करने लायक क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ. ओके तो प्लीज आप लिख सकते हो, ट्राई योर सेल्फ. ओके एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चंस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5. ओके क्वेश्चन नंबर 5 और उसके जैसा और एक आध सम अगर है तो जो हमने किए मैं उसी के हिसाब से तो आपको कह रहा हूँ. ओके तो उसी के हिसाब से बस ये 3 सम सॉल्व कर दो. ओके ट्राई योर सेल्फ. ओके सो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो. ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट करेंगे. बहुत बड़ी है. ओके तब तक के लिए टिल द एंड बाय बाय.